हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल इंडिया की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कितना के बजट रहने वाला है, और लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर वहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था, और कितनी का फीस अगर इंक्रीमेंट हुई है तो कितनी क्या रहने वाली है अपडेट सेशन के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो बच्चे जिनके जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स है तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी चाहिए, बिकॉज हम आपका एडमिशन करवा कर देते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, और जो भी आपके एडमिशन आपके मार्क्स अकॉर्डिंग जितने भी MBBS कोर्स, BDS कॉलेजेस आ रहे हैं, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी सहायता देते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि फ़ी नेगोशिएशन भी हम बच्चों करवा देते हैं, जहाँ पर आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ी नेगोशिएशन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। सो हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं हर एक कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कॉलेजेस के बारे में, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनका इस बार फ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो कुछ अपडेट आपको देते हैं उससे पहले। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं चैनल के ऊपर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आप अकेले डॉक्टर मत बनो, सबको साथ बना के डॉक्टर चलो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको ओपन टैब की स्क्रीन पर ले देता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक अच्छे कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो और जो आपके मार्क्स के अंडर में आ रहा हो। और बाकी कोई भी जानकारी लेने के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। वो भी हम आ चुके अपनी टैब की स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलेज जो हमारा आता है वो आपका अमृता इंस्टीट्यूट फरीदाबाद का आता है, जो हमारा 223 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पर जो 23 की यहाँ पर ट्यूशन फीस थी वो 19 लाख पर ईयर थी, बट यहाँ पर आपका 25 लाख पर ईयर का हो गया। तो टोटल आपका ट्यूशन फीस का जो बजट है करीबन 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं JGMM मेडिकल कॉलेज हुबली में है, 2021 में स्टेब्लिश हुआ था। 2023 में यहाँ पर जो ट्यूशन फीस थी 16 लाख 35 हज़ार रुपये थी, बट आपका 2024 में यहाँ पर 70 लाख 60 हज़ार के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर टोटल ट्यूशन फीस आपकी करीबन ऑलमोस्ट 80 लाख के अप्रॉक्स है, और आपको 4.5 साल तक यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देन आपका जाता है राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बंगलुरु में, यहाँ पर 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। 2023 में आपका 23 लाख पर एनम था, और आपका जो है यहाँ पर 50 हज़ार रुपये बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपका जो टोटल बजट करीबन 1 करोड़ 5 लाख के आसपास हो जाता है, 4.5 साल तक आपको पे करना। अमृता इंस्टीट्यूट बात करते हैं कोची के बारे में, यहाँ पर 2000 का स्टेब्लिश है। ठीक है, 2023 में इसका 19 लाख पर ईयर था, और 2024 में यहाँ पर 25 लाख पर ईयर हो गई है, तो करीबन आपका 1.25 करोड़ का बजट ये बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा डॉक्टर डीवाई पटेल आता है कोल्हापुर, यहाँ पर 1989 की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 20 लाख 6 हज़ार यहाँ पर लास्ट ईयर की फीस थी, 20 लाख 60 हज़ार, तो यहाँ पर अभी जो बढ़ा के जो है 3 लाख 10 हज़ार यहाँ पर ट्यूशन फी कर दी गई है, और 1 करोड़ 3 लाख के आसपास यहाँ पर आपका बजट बैठ जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर के बारे में, 2007 का स्टेब्लिश है। 2023 में यहाँ पर 19.6 लाख पर ईयर थे, और अभी यहाँ पर 19.9 लाख हो गई, तो ऑलमोस्ट जो टोटल बजट है आपका 89.7 लाख के अप्रॉक्स है। ठीक है, 4.5 साल को पे करनी है। अब बात करते हैं भारत मेडिकल कॉलेज, जो आपका चेन्नई में इंस्टीट्यूट है, 2020 में स्टेब्लिश हुआ था, और 24 लाख पर एनएम की 2023 की फीस थी, और 25 लाख पर ईयर की इस बार की फीस हो गई है। टोटल बजट अबाउट आपका 1.25 करोड़ के आसपास है। ग्राफिकरा की बात करते हैं, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, यहाँ पर आपका ट्यूशन फीस 2 लाख पर ईयर है, और हॉस्टल फीस आपका 3 लाख पर ईयर रहने वाली है, और टोटल ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख के आसपास बैठ बैठता है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको कॉलेज की बात बता दी, अब हम बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको हम इयरली ट्यूशन फीस बताएंगे, उनका रैंक कितना क्या था, स्कोर कितना क्या है, और कब वो सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, कब वो स्टेब्लिश हुए थे और कहाँ पर सिचुएटेड हैं, ये सब चीज़ हम जानने वाले हैं। देखिए JGMM आपका हुबली में 221 स्टेब्लिश ईयर, और यहाँ पर 70 लाख 60 हज़ार आपका ट्यूशन फीस है। वहीं अगर रैंक की बात करी जाए तो 249 620 621 रैंक यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 388 के अबाउट स्कोर आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है येनो बायो मेडिकल कॉलेज मैंगलोर के बारे में, 1999 का एस्टेब्लिश है, 22 लाख यहाँ पर ट्यूशन फीस रहने वाली है, करीबन आपका 219 नंबर के आसपास लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। ठीक है, बीजापुर लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसको हम BLDE यूनिवर्सिटी बोलते हैं बीजापुर में, 1986 से सिचुएटेड है, और यहाँ पर आपका करीबन 18 लाख का बजट था। ठीक है, 18 लाख का बजट है, और 335 आपको ओवरऑल मार्क्सिंग चाहिए। उसके बाद राजा राजेश्वरी जो आपका बेंगलुरु सिचुएटेड है, 2005 में स्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पर 23 लाख 50 हज़ार के आसपास फीस है, और आप यहाँ पर 255 के स्क्वायर फुट एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए आता है श्री देवराज मिडिल कॉलेज, जो आपका कोलार में सिचुएटेड है, 17 लाख 60 हज़ार यहाँ पर इसकी फीस है, और 359 स्कोर आपको चाहिए होगा, और आपका ये यूनिवर्सिटी जो है 1986 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका आ जाता है श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बेगूर महारा कर्नाटका में, 70 लाख 75 हज़ार इसकी फीस है, और 233 नंबर यहाँ पर लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। उसके बाद आपका आ जाता है टुमकुर में, ठीक है, श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज टुमकुर, 1988 का ये कॉलेजेस है, और 17 लाख 75 हज़ार के आसपास यहाँ पर फीस है, और आपका 295 मिनिमम स्कोर यहाँ पर लास्ट ईयर गया था। देन आपका आता है महात्मा गांधी औरंगाबाद, 1989 का ये कॉलेज है, ठीक है,
और यहाँ पर 21 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर आपका ईयरली का ट्यूशन फीस है और 382 के अबाउट आपको मार्क्स चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आपका डॉक्टर डी वाई पाटिल आता है पुणे में 1995 में सिचुएटेड है, 26,50,000 का ट्यूशन फीस है और 232 यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड आप गया था, आप रैंक भी दे सकते हैं ठीक है आप पॉज करके। इसके बाद देखिए आपका डी वाई पाटिल कोलापुर का आता है 1989 का एस्टेब्लिश है, 23,10,000 के आसपास यहाँ पर फीस है और 326 यहाँ पर लास्ट जो है कट ऑफ गई थी। इसके बाद डॉक्टर डी वाई पाटिल पुणे का जाता है 1995, यहाँ पर 26,50,000 के आसपास इसका फीस है और 232 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। इसके बाद आपका देखिए आता है डी वाई पाटिल नवी मुंबई में तो 1989 का सिचुएटेड है, 27 लाख यहाँ पर फीस है और 235 यहाँ पर लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। इसके बाद बात करते हैं रूरल मेडिकल कॉलेज की जो आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है लोनी में, 17,50,000 इसकी फीस है और 450 जो 460 नंबर के अप्रोक्स लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। भारतीय विद्यापीठ की बात करते हैं जो पुणे में सिचुएटेड है 1989 कॉलेज है, करीबन आपका 23,46,845 रुपये इसकी फीस है और आपके 350 नंबर तक होने चाहिए, लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ पर गया था। भारतीय विद्यापीठ अब सांगली के बारे में बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है 23,13,115 रुपये ट्यूशन फीस है और लास्ट जो सीट है आपको वो 267 मार्क्स से मिली थी। उसके बाद आपका दत्ता मेघे नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, 2020 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, 21,50,000 इसकी ट्यूशन फीस है और 237 नंबर यहाँ पर स्कोर है। इसके बाद बात करते हैं रूरल मेडिकल कॉलेज जो आपका लोनी महाराष्ट्र में 1984 का से आपका एस्टेब्लिशमेंट है और 17,50,000 ट्यूशन फीस है, लास्ट ईयर का यहाँ पर 450 मार्क्स पर कॉलेज मिला था। देन आपका आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करात महाराष्ट्र में 1984 का सिचुएटेड है, 23 लाख यहाँ पर रिली फीस है और आपका लास्ट ईयर कट ऑफ 262 नंबर था। देन बात करते हैं हम JLN दत्ता मेघे, ये आपका वर्धा महाराष्ट्र सिचुएटेड 1990 का ये कॉलेज बना हुआ है और 21,50,000 की ट्यूशन फीस है, 236 यहाँ पर कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। देन आपका आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर उड़ीसा में 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये 18,50,000 की ट्यूशन फीस है और आपको 370 मार्क्स पर लास्ट ईयर कट ऑफ कॉलेज मिला था। देन आपका आता है महात्मा गांधी, ठीक है कॉलेज पुंडुचेरी में है, ये 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, 22 लाख इसकी टोटल ईयरली फीस है और आपका जो कट ऑफ जस्ट आप क्वालिफाइड हैं तब भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए औरक बड़ाई बेडू मिडिल कॉलेज पुंडुचेरी, यहाँ पर भी आपका 1990 में एस्टेब्लिश हुआ, 19,50,000 फीस है और आपका जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पर होता है, ठीक है जो भी आपको अगर एडमिशन लेना है हमारे थ्रू तो हम जो है बच्चों का एडमिशन भी करवा देते हैं, फीस में कम से कम फीस में आपका हो जाएगा, ठीक है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए श्री लक्ष्मी नारायण कॉलेज, ये आपका पौंडुचेरी में 2006 में यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर 24,50,000 का फीस है और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है 107 गया था। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए तो 2003 में ये बना था, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, यहाँ पर 22,50,000 रुपये फीस है और आपका 229 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ का। उसके बाद आपका सवेथा मेडिकल कॉलेज चेन्नई में तमिलनाडु में है, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था और 25,25,000 इसकी ट्यूशन फीस है, लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ पर 231 नंबर था। उसके बाद आपका था श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम तमिलनाडु, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, 20 लाख इसकी ईयरली फीस है और 111 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ था। देन आपका था SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था, 25 लाख इसकी ट्यूशन फीस है और 178 नंबर यहाँ पर लास्ट मिला था कॉलेज। उसके बाद बात करते हैं ACS मेडिकल कॉलेज हापुड़ चेन्नई के बारे में, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, यह 23 लाख ट्यूशन फीस है और यहाँ पर 107 यानी कि जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन हुआ था। उसके बाद आपका था चैतीनाथ हॉस्पिटल, ये आपका कांचीपुरम में तमिलनाडु में 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, 24,50,000 इसकी फीस है और जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का वो आपका 128 नंबर था। देन आपका था श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई 1985 में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, 25 लाख आपकी ईयरली फीस है और 373 यहाँ पर स्कोर लास्ट ईयर कट ऑफ था इसका। उसके बाद आपका बनायका मिशन आपका कॉलेज आता है जो कि सलीम तमिलनाडु में सिचुएटेड है, 1996 का ये बना हुआ है और यहाँ पर 20 लाख रुपये इसकी ट्यूशन फीस है और जस्ट क्वालिफाइड मार्क पर यहाँ पर एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। उसके बाद बात करते हैं VELS मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कि आपको हॉस्पिटल बी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में 2021 में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, 21 लाख यहाँ की ईयरली फीस है और लास्ट ईयर जो आपके मार्क्स है वो 110 नंबर थे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सभी कॉलेजेस के जो सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी उनके बारे में डिटेल बता दी कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके अलावा उसकी ट्यूशन फीस क्या है, इसकी लास्ट ईयर की रैंक क्या थी और उसके लास्ट ईयर के मार्क्स कितने थे और टोटल बजट में कितना आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे रखा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।